120 बी का मुलजिम बाहर कैसे रह सकता है? 120 बी के मुलजिम का तो वो गेट है, 1, 2, 3, 4 गेट के भीतर रहे। अपने 75 घंटे के आंदोलन के आज दूसरे दिन राकेश ने, किसान नेता राकेश टिकैत ने परिजनों जो भी जेल में बंद हैं किसानों से मुलाकात की और बाहर निकले हैं। टिकैत जी, क्या कुछ आश्वासन दिया मुलाकात के दौरान आपने? हमने कहा कि परिवार का हम ध्यान रखेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे और उनको आर्थिक तंगी नहीं उनको होने देंगे। क्या कुछ उद्देश्य था आज की मिलाई करने आप? भाई आए जेल में, इनसे मिलना तो उद्देश्य था ही, यहाँ पर लोग बाहर के आ रहे हैं तो एक बार जो हमारे परिवार के लोग हैं वो जेल के अंदर बंद हैं तो एक बार सब लोग उनसे मुलाकात कर लें। आंदोलन आपका चल रहा है, आपने कहा कि लखीमपुर का रास्ता देख लिया है, और रास्ता देख लिया है और तात्पर्य ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। आंदोलन में लगातार आपकी भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, नहीं कल तक रहेगा। क्या कुछ मांगे रखी रहे हैं आप अपने आंदोलन के दौरान? एक तो अजय टेनी का बड़ा मामला है कि उसको जेल हो, वो बर्खास्त हो। 120 बी का मुलजिम बाहर कैसे रह सकता है? 120 बी के मुलजिम का तो वो गेट है, 1, 2, 3, 4 गेट के भीतर रहे। जो प्लान करता होता है वो तो 302 से भी खतरनाक है। कोई रोड मार्च करेंगे सर? नहीं, अभी आपने मन से कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा, तैयार है किसान यहाँ के लिए, नहीं आगे के लिए। टिकैत जी, जो है आपने आंदोलन में पूरा का पूरा फोकस जो है गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी का है, बाकी किसान के मुद्दे थे, बाकी मांगे फीकी पड़ती साथ आज के लखीमपुर का आंदोलन में? कोई मांग फीकी नहीं है, MSP गारंटी कानून भी है, बिजली अमेंडमेंट बिल भी है। अगर लखीमपुर आए तो लखीमपुर घटना नंबर एक पर आ जाएगा। गन्ना भुगतान है, बिजली की समस्या सब आती है। तो किसान नेता राकेश टिकैत जी, उन्होंने अभी जो है किसान के अंदर जो बंद हैं कन्या कांड के, उनसे मुलाकात की है। इनका कहना है कि लखीमपुर का रास्ता उन्होंने देख लिया और आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन को दोबारा बुलाया जाएगा। हालांकि लखीमपुर खीरी के आंदोलन की बात करें तो पूरा का पूरा गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी पर ही फोकस रहा है और किसानों के अन्य मुद्दे जो हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य मुद्दे यहाँ फीके दिखाई पड़े हैं। लखीमपुर खीरी पोस्ट, गोपालगिरी।